तेरी स्तुति करते हैं राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ तू पवित्र है यीशु, देयर इज नो वन लाइक यू जीसस। Hey।
सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम। मैं कहना चाहता हूँ, पत्रस ने कहा था कि कोई और नाम नहीं जिससे हमें उद्धार मिल सकता, सिर्फ यीशु का नाम, ताकि सारी प्रजाति, सारी जाति एक ही नाम के सामने झुके, वो है यीशु मसीह। आमीन। भाई अपने हाथों को ऊंचा करें इस समय। सर्वश्रेष्ठ करके, सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम। इस नाम के, इस नाम के सामने हर घुटना, हर घुटना देखते। आपको इस नाम के सामने सेवा क्या बात, देंगे। समय परमेश्वर मौजूद है, I'm not afraid।
Thank you, Father, for those things that are happening. We are learning many lessons. Thank you, Father. We know all things happen for our good. For those who believe in the Lord Jesus Christ. Thank you, Father. You are for us. You are not against us. You love us. And you will never quit loving us. And your love is so true. So pure. So trustworthy. That we trust you wholeheartedly. With our entire life. Thank you, Father. Our faith is based on Jesus. What he did on the cross for us. And we thank you, Lord Jesus. You are our only hope. Amen. Amen. Our focus is you. You are everything for us. Thank you, Father. I thank you for each and everyone who has come here. पिता जो भी आए सभी के लिए धन्यवाद देता हूँ. We know we don't have fear. हम जानता हूँ हमारे मन में डर नहीं है. We remove fear in Jesus' name. हम डर को निकालते हैं यीशु के नाम में. We are the children of God. हम परमेश्वर की संतान हैं. Thank you, Father. धन्यवाद. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना. Praise the Lord. Kindly be seated. आप सब बैठ सकते हैं. You know there are many lessons I have made for you. बहुत सारी बातें जो मैंने लिख के रखी हैं, जो सबक हमने सीखे हैं. But you know we don't have much time. पर हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है. Even on Friday, Holy Spirit was giving us revelation. और शुक्रवार को भी बहुत सारा वचन का प्रकाश पवित्र आत्मा दे रहा था. About the keys that Jesus has. और जो चाबियां यीशु के पास है उसको लेकर. But we couldn't complete that message. पर वो संदेश हम पूरा नहीं कर पाए. We are not getting much time. हमें ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, as children of God, we don't need to fear. परमेश्वर की संतान होने के नाते हमारे मन में डर नहीं होना चाहिए. As they say, the sky is not falling. Don't worry. जब तक ये आकाश या आसमान गिरता नहीं, तब तक हमें डरना नहीं चाहिए. The Lord Jesus said. और प्रभु यीशु ने कहा. That true joy and peace can only be from Him and through Him and in Him. और सच्चा आनंद और शांति केवल हमें प्रभु यीशु से मिल सकता है और केवल प्रभु यीशु में ही है. Not from circumstances. हमारी हालातों से नहीं मिल सकता. Amen. Amen. The more you look to the circumstances, जितना आप अपनी हालातों को देखेंगे, it will rob the true peace. उतना ही आपके मन से शांति निकाली जाएगी. Amen. Amen. In Christ we have peace. और मसीह में रहकर हमारे अंदर शांति है. Jesus has overcome the world. क्योंकि यीशु ने इस जगत पर जय पाया है. The world means the devil that is the ruler of this world. और जगत का मतलब है कि शैतान जो इस जगत का अधिपति है. And the way he has systemized the world. और जिस तरह से उसने इस जगत की पद्धत को ढाला है. To drown the people. ताकि वो लोगों को नीचे गिरा सके. We are above circumstances. पर हम सभी हालातों के ऊपर हैं. We are above what the devil has made. और जो भी शैतान ने बनाया है उन सभी बातों से ऊपर हम हैं. Amen. Amen. We are not going to drown. हम नहीं डूबने वाले हैं. Whatever comes in the world. चाहे दुनिया में कोई भी बात क्यों ना आए. We are not people who are going to be drowned. हम ऐसे लोग नहीं है कि इन संकटों में हम डूब जाएं. Because Jesus has overcome the world. क्योंकि यीशु ने इस जगत पर जय पाया है. He has put us above. उसने हमें हर बात के ऊपर रखा है. Amen. Nothing is going to drown you. कोई भी बात दुनिया में आपको डुबा नहीं सकती है. By faith we remain above. पर विश्वास के द्वारा हम इन तूफानों के ऊपर रहते हैं. But when you focus on the circumstances, पर जब आप अपनी आंखें इन हालातों पर लगाते हैं, तो फिर ये हालात आपको नीचे खींच like सकते हैं. पत्रस की तरह, when he was looking to Jesus, जब वो यीशु की ओर देख रहा था, he was above the circumstances. तो वो सभी हालातों के ऊपर चल रहा था. Amen. Amen. But the moment he removed, पर जिस पल उसने आंखें यीशु से हटाई, the things of the world could drown him. तो दुनिया के जो भी हालात थे उसे नीचे डुबा सके. Amen. Amen. So never be caught up in the latest scare or the last day messages or the pandemic kind of messages. तो जो भी महामारी को लेकर या आने वाले संकट को लेकर संदेश है वो सुनकर मन में डर मत रखिए. Or scare like the blood moon is coming and this last days are there, the rapture is there and the horses are coming and all these things, the predictions of the future times, they're trying to bring it in the now time. जो भविष्य को लेकर बातें हैं जो अभी बताई जा रही हैं कि महासंकट काल आएगा, चंद्रमा लाल हो जाएगा या घोड़े आने वाले हैं, स्वर्ग के सारे संकट धरती पर आएंगे, ये जो भी बातें बताई जा रही हैं ये सुनकर अपने मन में डर मत रखिए. God in heaven is not wringing his hands and worried about what is happening. No, he knows everything. और परमेश्वर इन बातों को देखकर
चिंता नहीं करता है क्योंकि वो जानता है कि धरती पर क्या हो रहा है। हम परमेश्वर के हाथों में हैं और ऐसा परमेश्वर जो सब कुछ जानता है। He is not shocked by what is happening. और ये बातों को देखकर परमेश्वर हैरान नहीं होता। He is aware of what is happening. ये जो भी हो रहा है इन सब बातों की सुधि परमेश्वर को है। And you are in his hands. और आप परमेश्वर के सुरक्षित हाथों Amen. में हैं। Amen. We are in his hands. हम परमेश्वर के सुरक्षित हाथों में हैं। It should not trouble us. तो ये बातें हमें चिंतित नहीं करनी चाहिए। If it is not troubling our God, it should not trouble us. यदि ये बातें परमेश्वर को बेचैन नहीं करती है, तो ये बातें हमें भी बेचैन नहीं करनी चाहिए। Amen. Amen. We should always remain in joy. हमें हमेशा आनंद में रहना चाहिए। Because we know whom we belong to. क्योंकि हम जानते हैं कि हम किसके हो चुके हैं। Amen. Amen. If the Lord is not worried, we are not worried. यदि परमेश्वर चिंता नहीं करता, तो हमें भी चिंता नहीं करनी चाहिए। The Lord told us, do not worry. परमेश्वर ने कहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। So as children of God, तो परमेश्वर की संतान होने के नाते, we do not operate in fear. हम डर में काम नहीं करते हैं। But we operate in faith. पर हम विश्वास में चलते हैं। Amen. Amen. We have a mighty weapon called faith. और हमारे पास सामर्थ्यशाली हथियार है जो विश्वास है। The faith is our faith is not like the people of the world's faith. और हमारा जो विश्वास है दुनिया के लोगों के विश्वास की तरह नहीं है। Their faith is not in God. उनका विश्वास परमेश्वर में नहीं है। Their faith is in themselves. उनका विश्वास उनका भरोसा खुद पर होता है। How they can fight it out? कि कैसे इन बातों से वो लड़ सकते हैं? कैसे इन सभी बातों के ऊपर रह सकते हैं? Human faith based on human thoughts or human wisdom or human strength. ये इंसानी विश्वास है जो वो अपने इंसानी बुद्धि पर या इंसानी ताकत पर रखते हैं। There's a limit to human thinking. और हमारे इंसानी सोच में कहीं ना कहीं सीमाएं लग जाती हैं या इंसान विश्वास में कहीं ना कहीं सीमाएं होती हैं। पर हमारा जो विश्वास है वो परमेश्वर से आया है। As long as you keep believing. और जब तक आप विश्वास करते जाएंगे The storm cannot wipe you out. तो कोई भी तूफान आपको डुबा नहीं सकता है। Because believing means we are connecting ourselves to God. क्योंकि विश्वास करने का मतलब है कि हम परमेश्वर के साथ खुद को जोड़ सकते हैं। That is what keeps us above. और यही बात हमें हर हालात से ऊपर रखती है। Amen. So don't worry, the sky is not falling, nothing is happening. तो आसमान नहीं गिरने वाला है, कोई संकट अभी नहीं आने वाला है, चिंता मत कीजिए। Because many out there predicting the worst. क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बुरी बातें होने वाली है वो पहले ही हमें बता रहे हैं। And I'm amazed at how many Christians are buying into all this. और मैं बहुत ही हैरान हूँ कि इतने मसीह लोग हैं जो ये बातें सुन रहे हैं। We can expect these things from unbelievers, but not from God's children. आप ऐसी बातों की अपेक्षा अविश्वासियों से कर सकते हैं, पर विश्वासों से नहीं। But we are seeing many of God's children are worried the same way as the people of the world are worried. Those who don't have covenant, those who don't have the promise of God. और मैंने देखा है कि जो परमेश्वर के संतान हैं, वो दुनिया के लोगों की तरह डर रहे हैं या चिंता कर रहे हैं। ऐसे दुनिया के लोग जिनके पास परमेश्वर के वादे नहीं हैं, परमेश्वर की वाचा में वो नहीं हैं। Even in Esther 4:14 we read. हम एस्तर की किताब 4:14 में पढ़ते हैं। You were born in this world for such a time as this. और वहाँ पे लिखा है कि ऐसे ही समय के लिए, ऐसे ही युग के लिए हमने इस धरती पर जन्म लिया है। If you are here now, यदि अब आप इस समय में यहाँ पर हैं, God chose this time for you. तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने ये समय आपके लिए चुना है। Amen. Amen. Remember this. God knows everything. ये याद रखिए कि परमेश्वर को सब कुछ पता है। Everything. सब कुछ परमेश्वर जानता है। Even before Adam could sin. आदम पाप करने से पहले He knew everything. परमेश्वर को सब कुछ पता था। He had already prepared Jesus before the foundation of the world that He would become the savior of the world when people fall into sin. और बाइबल कहती है कि इस जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने ये ठान लिया था कि यीशु इस पूरे जगत के पाप के लिए अपनी जान देगा। He knows everything. परमेश्वर सब कुछ जानता है। Amen. He is not shocked. और परमेश्वर कोई बात को देखकर हैरान नहीं होता। वो चिंता नहीं करता और वो टेंशन नहीं लेता। In fact, the devil doesn't know many things. इसके बजाय शैतान बहुत सी ऐसी बातें हैं जो नहीं जानता है। He is worried. वो चिंता में है। Even Jesus was born, जब यीशु का जन्म हुआ, he didn't know this is the Messiah. तब भी शैतान को नहीं पता था कि यही मसीहा है। He didn't know the plans of God. उसे नहीं पता था कि परमेश्वर की योजना आगे क्या है। वो कोशिश कर रहा था, ढूंढ रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था। Who is that person who's going to come? कि वो कौन सा व्यक्ति है जो उद्धारकर्ता बनकर आएगा और उसे हराएगा। Amen. Amen. You know, when did he come to know? आप जानते हैं कि शैतान को कब पता चला कि यीशु उद्धारकर्ता है? Do you know that? क्या आप ये बात जानते हैं? Read the Bible and let me know. बाइबल पढ़िए और फिर मुझे बताइए। When did the devil actually know? शैतान को कब सच में समझ में आया कि यीशु ही उद्धारकर्ता बनकर आया है? That he is the Son of God. कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। मतलब when he was fully sure. इसका मतलब है कि उससे खात्री हो गई, मन में पक्का पता चल गया कि यही परमेश्वर का पुत्र है। He is the Son of God. कि ये परमेश्वर का पुत्र है। Not by someone saying. किसी के कहने से उसने नहीं माना। At one time,
Holy Spirit showed me that he understood. एक ऐसा समय आया जहाँ पे पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि शैतान को समझ में आ गया कि यही परमेश्वर का पुत्र है. He doesn't know everything. तो शैतान सब कुछ नहीं जानता है. In fact, he is trembling. इसके बजाय वो थरथरा रहा है. Amen. Amen. You know, many don't know, many Christians don't know that Satan is defeated. और बहुत से मसीह लोग ये बात नहीं जानते हैं कि शैतान हारा हुआ है. And the devil is using such kind of people. और शैतान ऐसे लोगों का इस्तेमाल कर रहा है. To promote him. कि वो उसकी बड़ा उसका बढ़ावा करे. To advertise him. कि उसका बढ़ावा करे, उसके बारे में लोगों को बताए, उसके सामर्थ्य के बारे में लोगों को बताए. More we have unbelief. कि जितना हमारे मन में अविश्वास होगा, शंका होगी, we promote the devil. उतना ही हम शैतान का बढ़ावा करते हैं. We promote him as very powerful. हम ये बढ़ावा करते हैं कि शैतान बहुत ही सामर्थ्यशाली है. Your faith, और जितना आपके मन में विश्वास you होता show the victory of God. उतना ही आप परमेश्वर की विजय को बोलते हैं. And the victory working in your life and through और your life. वही विजय आपके जीवन में कार्य करती है. Amen. Faith is a powerful weapon of और God. विश्वास परमेश्वर का दिया हुआ बहुत ही सामर्थ्यशाली हथियार है. It shows the defeat of Satan. और यही विश्वास हमें बताता है कि शैतान हारा हुआ है. It reminds him. वो हमेशा उसे भी याद दिलाता है कि वो हारा हुआ है. के लिए. You know, in the spiritual world, in the spiritual kingdom, हम जानते हैं आत्मिक राज्य में, you know, what the Lord did, और जो प्रभु ने किया, I will teach you that. वो मैं आपको सिखाना चाहूंगा. But only thing I want to tell you is this. पर एक ही बात अब मैं आपको बताना चाहूंगा. When Jesus defeated him, जब यीशु ने शैतान को हराया, he put a shackle in his hands. तो यीशु ने उसके हाथों में सलाखें बांध ली, बेड़ियां बांध ली हाथों में. It's invisible for the human eye. और हमारी आँखों से तो ये दिख नहीं सकता है. Maybe he covers it. हो सकता है कि वो हमसे छुपाता हो. Because someone could, God could open his eyes or her eyes to see this. क्योंकि ये भी मुमकिन है कि परमेश्वर किसी की आँखों को खोल दे कि वो देख सके कि शैतान की हाथों में कैसे बेड़ियाँ बंधी हुई हैं. And he has a loop in that shackle. और वो जो बेड़ियाँ हैं वो कसके बांधी गई हैं. नहीं, there's a loop around the ring. और वहाँ पे ऐसा एक रास्ता है जो खुल सकता है. एक नो, एक रिंग है उसके अंदर, एक ऐसा रिंग. हाँ, एक रिंग है वो सला ये बेड़िया में. इट कीप्स हिम, इट कीप्स रिमाइंडिंग हिम. और वो जो बेड़िया जिससे बंधी हुई है वो हमेशा उसे याद दिलाती है. Always. हमेशा याद दिलाती है. बट वेरी सून ही विल बी चेंड. कि बहुत ही जल्द उसे सलाखों से बांधा जाएगा. You know, in the revelation we read that. और प्रकाशित वाक्य में हम ये पढ़ते हैं. Angels are going to come and chain him. और स्वर्गदूत आकर उसे बेड़ियों से बांधेगा. It reminds him. और ये सलाखें उसे याद दिलाती हैं. So don't think he's not afraid, he's afraid. तो ऐसा मत समझे कि शैतान डरा हुआ नहीं, वो बहुत डरा हुआ है. The chain, the shackle reminds him. और जो बेड़ियां उसके हाथों में बंधी हुई हैं, वो हमेशा उसको याद दिलाती हैं. He's bound. कि वो हमेशा डर में रहता है कि वो बंधा हुआ है. One day he's going to be bound forever. और एक दिन हमेशा के लिए उसे बांधा जाएगा. And thrown in the lake of fire. और उसे अग्नि में फेंका जाएगा. Amen. Amen. Because of what he did. क्योंकि जो उसने किया है उसके कारण. In heaven. स्वर्ग में जो उसने किया था. And then later on he's still doing. और आगे चल के वही काम वो अब भी कर रहा है. Amen. Amen. He's the most frightened person. If any person is fearful, is the devil and demons. यदि सबसे ज़्यादा कोई डरपोक है तो वो शैतान और उसकी दुरात्माएं हैं. Even the demons don't like him now. और दुरात्माएं अब उसे पसंद नहीं करती शैतान को. Because they have seen he is defeated. क्योंकि दुरात्माओं ने भी देख लिया है कि अब शैतान हार चुका है. Till the time Jesus rose. और जब यीशु जी उठा. Till the time Jesus rose. जब तक यीशु जी नहीं उठे. The demons thought he is the king. तब तक दुरात्माओं को लगा कि ये शैतान ही राजा है. But when Jesus rose up, पर जिस दिन यीशु जी उठा, and openly declared his defeat, और खुल्लम खुला बता दिया कि शैतान हार चुका है, the demons don't like him. तो शैतान की खुद की दुरात्माएं उससे नफरत करती हैं. Because they know if this is the fate of their king, क्योंकि वो जान गई है कि यदि हमारे राजा का भविष्य ही ऐसा what है, will be their fate? तो हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारा नसीब कैसा होगा. Amen. Amen. I'll teach you some mysteries. You'll become strong. और ऐसी कुछ रहस्य की बातें, कुछ रहस्य की बातें मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु ने हमारे लिए क्या हासिल किया है. Amen. So we are. If you are born in this time. तो यदि आपका जन्म इस समय में हुआ है. It is God who chose this time for you. तो परमेश्वर है जो चुनता है हमारे लिए कि हमें किस समय में जन्म लेना चाहिए. So you don't need to be afraid of things. तो इन बातों को देखकर आपको डरना नहीं चाहिए. That are coming on this earth. जो धरती पर होने वाली बातें हैं. As a matter of fact. और हकीकत के नाते we are called to be a part of the solution to any problem. और हम जो उपाय है उस भाग के लिए हम बुलाए गए हैं ताकि हम लोगों को उपाय दे सकें. On Friday I gave this message. और शुक्रवार को मैंने ये संदेश दिया. You are a part of solution. कि आपको इसलिए बुलाया गया है कि आप लोगों को उपाय दे सकें. The church is the solution. कली से ही उपाय है. The devil doesn't want you to see this true picture. और शैतान नहीं चाहता है कि हम ये असली छवि खुद की देखें. What are you shown? I don't know. तुमको क्या बताया गया है अलग अलग मैसेजेस से तुम सुन रहे हो. आई डोंट नो. और कौन से अलग अलग संदेश आप सुन रहे हैं मुझे नहीं पता.
That's changing your image, that's changing your identity. और जो आपकी छवि को बिगाड़ रहा है, आपकी छवि को बदल रहा है. So you must take in what builds up your identity, true identity according to Christ. ऐसा संदेश सुनिए जो मसीह में जो आपकी सही पहचान है वो आपको बता सके. Many are listening to many other relatives, their friends, their close and near and dear ones. और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों की बातें सुनते हैं. Instead of listening to the word of God. इसके बजाय कि वो परमेश्वर का वचन सुने. Amen. Amen. You know, these times that come is a time of testing for us. और ऐसे जो समय आए हैं वो हमारे लिए परीक्षा के समय हैं. Hello. Not only testing for the world. दुनिया के लिए ही नहीं. But testing for believers. पर ये समय हमारे लिए भी परीक्षा के समय हैं. Some who said, अरे कुछ नहीं होता यार, क्या होता क्या? तो उन लोग ये टाइम में लाया गया ताकि उनको मालूम पड़े. Without faith, तुम चला सकते क्या? ये जो scenes आ रहे हैं. So many believers are so much afraid. और बहुत से विश्वासु लोग हैं जो इस समय में बहुत डर गए हैं. You know, faith has to be tested. The Bible says. Bible कहती है कि जरूरी है विश्वास का परखा जाए. Faith has to be tested. विश्वास का परखना बहुत जरूरी है. So these are testing times. इसीलिए ये हमारे परीक्षा के समय हैं. Not to put you down. आपको नीचे गिराने के लिए नहीं. But to show that faith is so powerful. पर ये बताने के लिए कि विश्वास कितना सामर्थ्यशाली है. You're building your faith. आप अपने विश्वास को बांधते हैं. So when more crises come. ताकि जब और ज्यादा संकट आएंगे. You'll be able to face it. तो फिर आप इन सभी संकटों का सामना कर पाएंगे. Amen. Amen. You know, many Christians have realized this. और बहुत से मसीहों को इस बात का अब एहसास हुआ है. Those who neglected the church. और जो कलीसिया आना टालते थे. Those who neglected the word of God. जो प्रभु का वचन सुनना टालते थे. Those who just living in darkness. जो यूं ही अंधकार में जीवन बिता रहे थे. Now they saw. अब उन्हें देख रहा है. Oh my, I cannot neglect. कि मैं इन बातों को टाल नहीं सकता. Because till the reality, the crisis, the experience they are not experienced. Till that time, they never gave importance to faith. क्योंकि जब तक हम तकलीफों का, संकटों का अनुभव नहीं लेते, तब तक वो असली या खरा विश्वास उभर के नहीं आता है. Amen. Amen. जब problem आता है, जब ही मालूम पड़ता है, तुम्हारा faith real है क्या नहीं है. Amen. Amen. So this is the during this time, God is drawing many people unto Himself. तो इन दिनों में परमेश्वर बहुत से लोगों को खुद की ओर खींच रहा है. He's not condemning them. परमेश्वर आपको दंडित नहीं कर रहा है. He's helping them. पर उनकी मदद कर रहा है. Amen. Amen. Because He loves you. क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है. If you only know what Jesus did for you. यदि आप सिर्फ इतना जान ले कि यीशु ने आपके लिए क्या कुछ किया है. You are the solution, not the problem. तो आप जो हैं, आप उपाय हैं, आप किसी के लिए परेशानी नहीं हैं. Don't think you are the problem. ऐसे मत सोचिए कि आप खुद परेशानी हैं. In this world you'll have trouble. इस जगत में तकलीफ है, परेशानी तो आएगी. I told you what you need to look, what you don't need to look. और मैंने आपको बताया है कि किन बातों पे हमें अपनी आंखें लगानी है और किन बातों पे आंखें नहीं लगानी है. वचन में भी what you need to see. किन बातों को हमें देखना है. Yesterday also I gave the word online. और कल भी मैंने ऑनलाइन वचन दिया है. On John 9. यूहन्ना 9 पे. I couldn't finish it. और वो संदेश में पूरा दे नहीं पाया. I have a big message about that. बहुत ही बड़ा संदेश मैंने तैयार किया है. So you need to add more verses. इसलिए जरूरी है कि एक वचन में हम और ज्यादा वचन की जोड़ लगाएं. You need to add more scriptures. बहुत सारे वचन को हम जोड़कर समझें. To make it clear. ताकि हम साफ रीति से देख पाएं. Amen. Amen. Because the word of God will never discourage you. क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको कभी निराश नहीं करेगा. If the word of God is putting fear or discouragement. यदि प्रभु का वचन आपके मन में डर डालता है. It doesn't mean the word of God is wrong. तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का वचन गलत है. You're not adding the right scriptures over it. आप उस वचन से सही वचन को नहीं जोड़ रहे हैं. उसमें और वचन जोड़ो. उस वचन में और वचन जोड़ते जाइए. नया करार का जोड़ो. The epistles of grace को जोड़ो. और जो कृपा के खत्री है, खती है, उसे जोड़ते जाइए. Amen. Amen. Let Holy Spirit give you the proper verses to add to those verses so it becomes more clear for you. और पवित्र आत्मा को अनुमति दीजिए कि जो नई पत्री है उसमें से सही अनुग्रह के वचन आपको दे ताकि सब कुछ आप सही तरीके से देख सके. Amen. Amen. Don't take condemnation. और दंड वाले वचन मत लीजिए. और दोष की भावना वाले वचन मत लीजिए. डर के वचन मत लीजिए. Amen. Amen. This is not for you. और ये बातें आपके लिए नहीं है. It was for those who are under the law. और ये बातें उन लोगों के लिए थी जो व्यवस्था के नीचे थे. The law never brought them to God. The law never showed God to them. The law showed you are a sinner. क्योंकि व्यवस्था ने कभी लोगों को नहीं बताया कि परमेश्वर कितना भला है, पर व्यवस्था ने लोगों को ये बताया कि तुम कितने बड़े पापी हो. The law never brought anyone close to God. और व्यवस्था के द्वारा कोई भी परमेश्वर के करीब नहीं आ पाया. The law never gave life. और व्यवस्था ने कभी जीवन नहीं दिया. It was a condemnation of death. और वो हमेशा बताता था कि हमें मृत्यु का दंड मिलना चाहिए. It was based on punishment. और ये सजा पर आधारित था. So you had fear. ताकि लोगों के मन में डर बना रहे. So, when the law word is there. इसलिए जहाँ पे भी व्यवस्था का वचन है. Add grace. वहाँ पे कृपा के वचन की जोड़ कीजिए. Amen. Amen. Till that time don't preach. तब तक फिर प्रचार मत कीजिए. You know many are
It's good. I always say it is good. People are preaching. Good. मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग प्रचार कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है. I'm happy. मैं बहुत खुश हूँ. Those who had never thought of preaching are preaching. जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो प्रचार कर सकते हैं वो प्रचार कर रहे हैं ये अच्छा है. But see that you don't put condemnation. पर ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपने संदेशों के द्वारा लोगों को दंडित ना करें. John 9 I was preaching. और यहूना 9 में मैं आपको सिखा रहा था कल. I was showing how this man was condemned. और मैं बता रहा था कि कैसे ये व्यक्ति पूरी तरह से दंडित था. Because the basis of the Old Testament law. क्योंकि जो उसका आधार था वो पुराने करार की व्यवस्था थी. It was told to him. उसे कहा गया था. You know, this young man और ये जो जवान व्यक्ति was born blind और वो अंधा पैदा हुआ था. बचपन से ही birth से ही अंधा था. बचपन से ही अंधा था. So he was told तो उसे कहा गया था based on the law व्यवस्था के अनुसार either you sinned या तो तुमने पाप किया है your parents sinned या तो फिर तुम्हारे माता पिता ने पाप किया है. उसने पूछा रहेगा ना क्यों मैं अंधा हूँ क्या तुमने पाप किया रहेगा या those times the word was पिछले जन्म में पाप किया है. आजकल ऐसा ही बोलते isn't it सही है. आज जो तुम्हारा प्रॉब्लम है पिछले जन्म में तुम तो बुरा काम किया रहेगा इसके लिए जन्म में तुम्हारा ऐसा हाल है. अभी कौन क्या कर सकता है. दिस इज योर डेस्टिनी. ये नसीब है उसको कोई बदल नहीं सकता है. तो अच्छा काम करो ये बार तो अगले जन्म में तुम अच्छा कोई भी रूप में आएगा. So these are the thoughts in the world. तो ये दुनिया के लोगों के मन में विचार चलते हैं. You can think about this man. और इस व्यक्ति के बारे में आप सोचिए. How condemned he was feeling. कि पूरे जीवन उसे कितना दोषी महसूस होता होगा. God doesn't love me. कि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता. मैं पापी हूँ. मैं पापी हूँ. इसके लिए सजा भुगत रहा हूँ. So can he have faith? इसलिए क्या उसके मन में फिर विश्वास हो सकता है. कैसा विश्वास आएगा. पाप की वजह से प्रभु ने बीमारी डाला तो अभी क्या बोल सकता हूँ. Condemned living. और वो दोष में जी रहा था. With guilt. वो दंड की भावना में जी रहा था. With hate for self. और खुद से ही नफरत कर रहा था. Didn't want to live this life. वो ये जीवन जीना ही नहीं चाहता था. Just to end this life. और वो अपने जीवन को खत्म करना चाहता था. If God has brought this. यदि परमेश्वर ने ये बात मेरे जीवन में लाई है. No one can do anything. तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता इसे बदल नहीं सकता. Oh, all others are so good. और बाकी सभी लोग कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं. उन लोग ने पाप नहीं किया रहेगा. हाँ इसके लिए उन लोग अंधे नहीं. मैं पापी हूँ मैं ऐसा हूँ मैं वैसा. सी दिस काइंड ऑफ यू नो इंफॉर्मेशन गिवन टू हिम मस्ट हैव रियली कंडेम्ड हिम. और ये जो जानकारी उसे मिली थी उसके द्वारा उसके मन में बहुत दोष की भावना होगी. ओवर एंड अबाउ और उससे ऊपर. ओवर एंड अबाउ उससे ज्यादा. व्हेन जीसस वाज पासिंग बाय जब यीशु वहां से गुजर रहे थे. ही सॉ हिम उसने यीशु को देखा. एंड व्हाट डिड द डिसिपल्स से और फिर चेलों ने क्या कहा. लुक एट what they saw in that man. और देखिए चेलों ने उस व्यक्ति में क्या देखा. Did they have any compassion? क्या उनके मन में थोड़ी भी करुणा थी. Any love? या उनके मन में प्रीति थी. No. नहीं. They are asking because of whose sin is like this. और उन्होंने यीशु से पूछा कि किसके पाप के कारण ये ऐसा अंधा पैदा हुआ है. किसका पाप के वजह से ऐसा बीमार है. किसने पाप किया. क्या पाप किया. इसका पेरेंट्स ने पाप किया. क्या इसने खुद पाप किया जो ऐसा बीमार है. See, you know, these Pharisees, these thoughts were like this. और जो फरीसी और सदूकी लोग थे उनकी सोच ही ऐसी थी. Instead of being the solution, इसके बजाय कि लोगों को उपाय बताए, they are playing the blame game. और वो एक दूसरे पे दोष लगा रहे थे. क्यों ऐसा हो गया. कैसा ऐसा हो गया. Was Jesus in the blame game? क्या यीशु उस पर दोष लगा रहे थे. Did Jesus ask all those questions? क्या यीशु ने ये सवाल पूछे. किसका पाप की वजह से तू ऐसा हो गया. अरे Jesus was not in this blame game at all. और यीशु किसी पर दोष नहीं लगा रहे थे. He came as the solution. और उपाय बनकर यीशु उसके सामने आए. Amen. Amen. He wanted to heal him. और यीशु चाहता था कि उसे आरोग्य दे. Without condemning him. बगैर उसे दंडित करे. Amen. Amen. But look at that, even the disciples. पर जो यीशु के चेलो थे उनकी और भी देखिए. उनकी सोच को देखिए. They were full of this old covenant laws. और वो पुराने करार की व्यवस्था से भरे हुए थे. Amen. Amen. उसमें से निकलने के लिए बहुत साल गए उनको. You know, for Jews, it's very difficult to bring them out of the law. और यहूदियों को उनकी व्यवस्था से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है.
treat every other Gentile as sinners. और उन्हें लगता है जो भी अन्य जाति या गैर यहूदी हैं, वो सभी पापी हैं. That's why these religious leaders didn't accept this healing. और इसलिए जो धार्मिक अगुवे हैं, वो ये चंगाई को स्वीकार नहीं रहे थे. That pride. और उनके अंदर वो घमंड था. Because it was proving wrong. Their belief was being proved wrong. क्योंकि वो चंगाई के द्वारा उनका जो विश्वास है वो गलत साबित हो रहा था. हमने सिखाया पाप के वजह से बीमार है और ऐसा ही रहेगा और प्रभु यीशु उसको चंगाई दे दिया. पापी को कैसा हो सकता है ऐसा? You know, they were shocked. और वो बहुत हैरान हो गए. They were shocked. वो बहुत हैरान हो गए. How can a sinner be healed? कि कैसे एक पापी को आरोग्य मिल सकता है? हमने उसको सिखाया है. We taught him. हमने उसे सिखाया है. That because of sin. कि पाप के कारण तू ऐसा बीमार है. Your parents sin. तुम्हारे पाप या तुम्हारे माँबाप के पाप के कारण. You're suffering. तुम आज पीड़ा में हो. It's God's punishment. ये परमेश्वर की सजा है तुम्हारे ऊपर. And here Jesus comes. और यहाँ पे यीशु आते हैं. Without looking at all those. और इन बातों को ना देखकर. Punishment or sin or he's not bothered about all this. He heals him. उसके पाप को ना देखते हैं, सजा को ना देखते हैं, पर उसे आरोग्य देते हैं. Amen. Amen. प्रभु बोला क्या? पाप पहले क्षमा कर, तू मांग, क्षमा मांग तू, कितना पाप, कुछ नहीं, उसको आरोग्य दिया. Look at this. What about our preaching and teaching today? और फिर हमारे आज जो हम प्रचार कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उसके बारे में क्या? What are we preaching today? हम क्या प्रचार कर रहे हैं? Many are condemning, not preaching. और बहुत से लोग दंडित करते हैं, प्रचार नहीं करते. They are hindering people to receive any blessings freely from God. और बहुत से आशीर्वाद पाने के लिए वो लोगों के मार्ग में अड़चन खड़ी कर रहे हैं. For Christ's sake, we are forgiven. और मसीह के कारण आज हम क्षमा किए गए हैं. Ephesians 4:32, I spoke to you last time. इफिसियों की किताब 4:32 मैंने कहा आपको. Amen. Amen. Not because of us. हमारे कारण नहीं. Because of Christ. पर मसीह के कारण. We are forgiven. हमें क्षमा मिली है. So we forgive others. इसीलिए हम दूसरों को क्षमा करते हैं. I compared that passage with you. और ये संदेश की तुलना मैंने आपको बताई है said, कि यीशु क्या कहना चाहते थे और चेले क्या कह रहे थे. यीशु ने कहा, यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो परमेश्वर भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा. You don't take that an isolated scripture and preach. पर वो अकेला एक वचन लेकर आप प्रचार नहीं कर सकते. Add scripture. और उन वचन में और वचनों की जोड़ कीजिए. There are other scriptures. बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो ये विषय को लेकर हैं. Add it. उस विषय में ये वचन को भी जोड़िए. You will see better. आपको अच्छे से दिखाई देगा. Amen. Amen. Many are just taking the scripture. बहुत से लोग केवल एक वचन उठाते हैं. And those who are listening say, "Oh, Bible में लिखा है क्या? Jesus बोला क्या? नया करार में? Oh my, this is immaturity." और ये तो बचकानी सोच है. And so they don't understand us preaching. और इसीलिए उन्हें हमारा प्रचार समझ में नहीं आता है. Last time I told you John 3:16. और पिछली बार मैंने आपको बताया यूहन्ना 3:16. The most favorite. सबसे पसंदीदा वचन. But it doesn't give the full explanation. और वो पूरी समझ हमें नहीं देता है. That was just the beginning. और वो तो केवल शुरुआत थी. Of the revelation. प्रकाश की शुरुआत थी. But God gave more revelation. पर उसको लेकर परमेश्वर ने और ज्यादा प्रकाश दिया. Ask Holy Spirit. Ask Holy Spirit. पवित्र आत्मा से पूछिए. He will add one scripture. और पवित्र आत्मा और वचन की जोड़ आपको देंगे. And it will become clear. और सभी बातें आपको साफ साफ दिखाई देंगी. Amen. Amen. Nothing is there to condemn you. और कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको दंडित कर सके. Okay. You know, today actually I wanted to speak on a little bit about prayer. और आज थोड़ा बहुत How much time we have? आज थोड़ा बहुत मैं आपको प्रार्थना के बारे में बताऊंगा. Okay, just 5-10 minutes. I'll just finish off. 5 मिनट है, मैं प्रार्थना के बारे में बताऊंगा. You know, God loves you. और प्रभु आपसे प्यार करते हैं. And God loves everyone. और हर एक से परमेश्वर प्यार करते हैं. Especially He loves His children. And all those whom you love, your beloved ones. Amen. और खास तौर से परमेश्वर अपने संतान से प्यार करता है और आप जिनसे प्यार करते हैं, आपके जो प्रिय लोग हैं, परमेश्वर उनसे भी प्यार करता है. You know, maybe someone is not saved in your family. हो सकता है आपके परिवार में किसी का उद्धार ना हुआ हो. This is the thought and mind of God. और परमेश्वर के मन में ये विचार है. Your loved ones were His first. आपके जो प्रिय लोग हैं, सबसे पहले परमेश्वर ने उनसे प्यार किया. Amen. Amen. तुम्हारा जो बच्चे लोग हैं, तुम्हारा जो beloved है, जो तुम्हारे नजदीक के हैं, उन लोग saved नहीं रहेंगे. But remember, your loved ones were His first. They belong to Him first. और हमेशा याद रखिए, जो आपके प्रिय लोग हैं, जिनसे आप ज्यादा प्यार करते हैं, सबसे पहले वो परमेश्वर के लाडले थे. सबसे पहले परमेश्वर ने उनसे प्यार किया. Amen. Amen. Keep this priority. ये बात हमेशा अपने मन में ठान के रखिए. Don't think you are the one who loved them the most. No. ऐसे मत सोचिए कि आप ही बहुत ज्यादा उनसे प्यार करते हैं. He is the first one to love them first. पर आपसे पहले परमेश्वर ने उनसे प्यार किया. Amen. Amen. So, you know,
If these kind of thoughts will build your faith, it will build your prayer life. तो इस तरह के जो विचार हैं, वो आपके विश्वास को ऊपर उठाएंगे, आपकी प्रार्थना में और ज़्यादा विश्वास जोड़ देंगे. And you will not worry and be concerned. और फिर आपको ज़्यादा चिंता नहीं होगी. Amen. Amen. You know that, then you will not cry. Please, Prabhu, Prabhu. ऐसा हम लोग प्रार्थना करते कि हम उनसे उससे भी ज़्यादा प्रेम करते. ये क्यों ऐसा thought आता? क्योंकि हमारा जो वचन का ज्ञान सही नहीं है. Amen. We pray in such a way. हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं. It's as if no. प्रभु का हाथ से हम लोग छीन के उसको सेव करा रहे. ऐसा नहीं है. You know, it shows that we love them more than God loves them. हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं मानो परमेश्वर से ज़्यादा हम उनसे प्यार करते हैं. In the Old Testament, okay. पुराने करार में ये बातें ठीक थी. There were many things they didn't know. बहुत सी बातें उन्हें पता नहीं थी. But on the covenant of grace. पर कृपा के वचन में. It is not that way. ऐसी बातें सही नहीं हैं. Amen. Amen. He loves them more than you love them. और हमसे ज़्यादा परमेश्वर उनसे प्यार करता है. He is more interested in seeing them in heaven more than you want them to be in heaven. और हमसे ज़्यादा परमेश्वर की दिलचस्पी है कि ये भी लोग स्वर्ग में आएं. When you have these right thoughts, जब ये सही विचार आपके मन में होंगे, your prayers will be very powerful. तो फिर आपकी प्रार्थनाएं बहुत सामर्थ्यशाली होंगी. You know, your prayers are based on the right faith. जरूरी है कि आपकी जो प्रार्थना है वो सही विश्वास पर आधारित हो, सही ज्ञान पर आधारित हो. तुम ऐसा begging, please, 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 ऐसे सब नहीं करेगा. तुमको मालूम है जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे बच्चे से मेरे से भी ज्यादा प्रेम करता है. अगर मैं चाहता हूँ इतना तो प्रभु कितना चाहता है. Hallelujah, Amen. Amen, अगर Amen. मेरा इच्छा है कि मेरा बच्चा हेवन में आना चाहिए, मेरा हस्बैंड हेवन में आना चाहिए, मेरा वाइफ हेवन में आना चाहिए, मेरा बिलव्ड हेवन में चाहिए, मेरे से ज्यादा उसका इच्छा है. Amen. So you are talking the one who cares about a child more than you care for them. आप ऐसे खुदा से बात कर रहे हैं जो आपसे ज्यादा आपके बच्चे से प्यार करता है. Amen. Amen. See, your prayer will change. तो फिर आपकी प्रार्थनाएं बदल जाएंगी. And the way you look to God will be very different. और जिस नजर से आप परमेश्वर को देखेंगे वो बहुत अलग होगा. You won't look to God as your enemy. और आप ऐसे नहीं देखेंगे कि मानो परमेश्वर मेरा दुश्मन है. Who has to be forced. और जिसे बहुत जबरदस्ती करनी पड़ती है. उसको मस्का पॉलिश लगा के ऐसा भी काम करा के लेने का. ऐसा नहीं सोचेगा. नहीं 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 नहीं, मेरे से ज्यादा प्रभु उसे प्रेम करता है. मैं तो थोड़ा चाहता हूँ, वो तो भरपूर चाहता है. Amen. Amen. See, but it cannot work unless you pray. पर जब तक आप प्रार्थना नहीं करते तब तक परमेश्वर काम भी नहीं कर सकता. So, before they belong to you, they belong to him. तो आपके होने से पहले वो परमेश्वर के हो चुके थे. Amen. Amen. This is a great mystery. ये बहुत बड़ा रहस्य है. But God has seen your child before you could see them. और आपसे पहले परमेश्वर ने आपके बच्चे को देख लिया था. It's a great mystery. ये बहुत बड़ा रहस्य है. Because he's the one who sent them. क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें भेजा है. At the right time. सही समय में. Amen. Amen. He is the one who loaned each other for a while on this earth. और परमेश्वर ने हमें एक दूसरे के लिए थोड़े समय के लिए इस धरती पर भेजा है. Who? God. परमेश्वर ने. Amen. Amen. These thoughts will clear many things. और ये जो विचार हैं वो बहुत सारे आपकी मन के जो शक है उसे दूर करेगा. So we all belong to him first. तो सबसे पहले हम परमेश्वर के हो चुके थे. And even our children belong to him first. और हमारे बच्चे भी हमसे पहले परमेश्वर के हैं. And it is God's will. और ये परमेश्वर की इच्छा है. He says, I want even the vilest of sinner to be free, to be set free. परमेश्वर की ये इच्छा है कि जो सबसे घोर पापी होगा वो भी छुटकारा पाए, वो भी उद्धार पाए. Because he says, they are my offspring first, then yours. क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुमसे पहले वो मेरी औलाद है, मेरी संतान है. Amen. Did you understand this? क्या आपको ये समझ में आया? They belong to him first, then they belong to you. और परमेश्वर कहता है कि तुमसे पहले वो पहले मेरे हो चुके हैं. We don't have much time. हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है. I want to give many revelations, but I'm not getting much time. बहुत सी बार मैं बहुत सारी वचन की गहराई में बातें आपको बताना चाहता हूँ पर समय नहीं मिलता है. My wife always tells me you write so much and you give one or two points only. और इसलिए मेरी पत्नी हमेशा कहती है कि तुम इतना कुछ लिखते हो पर सिर्फ एक या दो मुद्दे ही लोगों को बताते हो. I spend hours and hours, but मैं वचन में घंटों बिताता हूँ. And I'm not able to give you one or two points. उतना ज्यादा संदेश मैं आपको बता नहीं सकता. Okay, we'll continue next week. और अगले हफ्ते हम यही संदेश जारी रखेंगे. Online I'm going, I'm giving many messages. You can go and hear them. Online जाकर भी मैं बहुत सारे संदेश दे रहा हूँ. आप Facebook पर सुन सकते हैं. Today is Father's Day. Yes. Yeah. Come. आज Father's Day है. I want to pray for you. Yeah, let's all stand up. हम सब खड़े हो जाएंगे. The Father's come. जो भी. You'll stand. Okay. No problem. Okay. जो भी पिता हैं आप अपनी जगह पे खड़े रहिए. Stand your own place. आप अपनी जगह पे खड़े रहिए. It's okay.
But only the father stand in our place. जो भी पिता है बस वही खड़े रहे, बाकी सब बैठ सकते हैं. और जो आप बोलते हैं आपके बच्चे सुन रहे हैं. The way you're living, they're seeing. जिस ढंग से आप जीवन जी रहे हैं आपके बच्चे देखते हैं. Day and night, they're seeing you. दिन रात वो आपको देखते हैं. And they're learning many things. और आपको देखकर बहुत सारी बातें वो सीखते हैं. You're the ones who are putting many things in their soul. और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उनके प्राणों में बहुत सारी बातें भरते हैं. And how their soul prospers, they'll prosper. और कैसे उनके प्राणों की उन्नति होती है उसी तरह से वो अपने जीवन में भी उन्नति पाएंगे. If by the way you live and talk, you're putting fear and anxiety, it will remain in them. यदि आपके जीवन से आप उनके मन में डर और चिंता भरते हैं, तो उसी तरह से वो आगे बढ़ेंगे. You know, soul as the is a, like a container. और प्राण एक बर्तन की तरह है. Soul is your personality of who you are. और आप क्या हैं? आपका व्यक्तित्व आपका प्राण है. Amen. Amen. It's a very powerful part of your life. और आपके जीवन का बहुत ही सामर्थ्यशाली भाग आपका प्राण है. What you're storing then is very important. आपके प्राणों में आप क्या भरते हैं वो बहुत मायने रखता है. As your soul prospers. क्योंकि बाइबल कहती है कि जैसे आपके प्राणों की उन्नति होती है, you'll prosper. वैसे ही आप भी उन्नति करेंगे. Amen. Amen. So stand before them. इसलिए उनके सामने एक उदाहरण बनके खड़े रहिए. Tool of faith. और विश्वास का सामर्थ्यशाली यंत्र बनकर उनके सामने खड़े रहिए. That's what I was going to teach you. और यही मैं आपको सिखाना चाह रहा था. How to decree and declare for them. कि कैसे उनके लिए हमें विश्वास का ऐलान करना चाहिए, घोषणा करनी चाहिए. Every member of your family. आपके परिवार के हर एक सदस्य के लिए. हर रोज. You have to declare. आपको ऐसी घोषणा करनी है. Amen. Amen. Many children, when they go to school, और बहुत से बच्चे जो स्कूल जाते हैं, they have been harassed. तो उन्हें सताया जाता है. They carry all that. और वो सभी बातें वो अपने प्राणों में लेकर घूमते हैं. Maybe they see some tragic events. और मान लीजिए कि आप उन्होंने कोई दर्दनाक घटना देखी हो, वो सभी बातें उनके प्राणों में चली जाती हैं. As a seed. एक बीज की तरह. And then in the later life. और आगे चलकर जीवन में. Many problems. बहुत सारी तकलीफें उन्हें झेलनी पड़ती हैं. Parents who have, because of whom all this has been stored in their soul. और बहुत से बार ये माता पिता हैं जो ये बातें उनके प्राणों में बचपन में भरते हैं. We are responsible. आप जिम्मेदार हैं. Amen. Amen. Okay. There's many things to learn from that, but now we don't have time. बहुत सारी बातें सीखने के लिए हैं पर समय नहीं है. Let me pray for you. मैं सभी के लिए प्रार्थना करूंगा. Father, I want to thank you for all these fathers. पिता, इन सभी पिताओं के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ. You're also a father. You, आप ही आप हमारे पिता हैं. Not in a physical way. शारीरिक तौर से नहीं, in a spiritual way, पर आत्मिक तौर से. You carry the characteristics of both father and the mother. और माता और पिता दोनों के ही गुण और चरित्र आप में हैं. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. For the quality of God in them. जो परमेश्वर का गुण इनके अंदर है. Today I want to declare, decree and declare. आज मैं ऐलान करना चाहता हूँ, घोषणा करना चाहता हूँ. They fulfill their destiny you have called them for in Jesus' name. कि जिस भी बुलाहट के लिए आपने उन्हें बुलाया है, वो उसे पूरा करके रहेंगे यीशु के नाम में. Whatever they have stored in their soul. और जो भी अपने प्राणों में उन्होंने भर के रखा है. I remove that in Jesus' name. उन सभी गलत बातों को मैं निकालता हूँ यीशु के नाम. जो अदैविक है. Through their language, उनकी भाषा के द्वारा, through their seeing, उनके देखने के द्वारा, through their hearing, उनके सुनने के द्वारा, through their wrong believing, उनके गलत विश्वास करने के द्वारा, I remove all those wrong things in Jesus' name. उन सभी गलत बातों को उनके प्राणों से निकालता हूँ यीशु के नाम में. And I make them free. और मैं उन्हें आजाद करता हूँ. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Father, as they carry a responsibility. पिता जैसे एक जिम्मेदारी लेकर वो चल रहे हैं. I pray. मैं प्रार्थना करता हूँ. They will build up their faith life. कि वो अपने विश्वास के जीवन को बांधे. That they'll carry the whole family. ताकि वो पूरे परिवार को लेकर चले. विश्वास से लेकर चले. परमेश्वर में, Jesus name, यीशु के नाम में, by their lifestyle, उनके जीवन के ढंग से, example, वो उदाहरण बने, for their children, अपने बच्चों के लिए, and for others, और दूसरों के लिए भी, those are looking at them, जो उनकी ओर देखते हैं, thank you father for them, धन्यवाद पिता make them spiritual daddies, इन्हें आत्मिक पिता बनाइए, make them strong in faith, इन्हें विश्वास में आप मजबूत बनाइए, during these new times, और पिता इन नए समय में, for a great opening. मैं प्रार्थना करता हूँ कि एक बड़ा खुलासा हो in their life, उनके जीवन in में Jesus name, यीशु के नाम में. Give them those kind of ideas, प्रभु उस तरह के आप उन्हें विचार दीजिए, that will get them to be, to prosper, और जिसके कारण वो उन्नति पा सकें. Let the finance, पैसों में, the wealth of the sinners, जो भी
पापियों का धन है Come to them in Jesus name. इनके पास आए यीशु के नाम Bless them with good jobs. और अच्छी नौकरी से आशीर्वादित कीजिए अच्छी पगार से आशीर्वादित कीजिए And let them be blessed. और ये आशीर्वादित Let their family be blessed. इनका परिवार आशीर्वादित हो In Jesus name. यीशु के नाम I also declare and decree. और मैं ये भी घोषणा करता हूँ Every day. हर रोज They will decree and declare. वो हर रोज ये ऐलान करेंगे घोषणा करेंगे धाड़स से Openly. खुले आम अपने घर में in Jesus name. यीशु के नाम में Thank you, Father. धन्यवाद And they'll not let the devil in. और वो शैतान को घर में घुसने नहीं देंगे in any manner. किसी भी तरीके से किसी भी Jesus मार्ग से name. यीशु के नाम में I remove every fear. हर डर को मैं निकालता All anxiety. हूं जो भी चिंताएं हैं Be God in Jesus name. निकल यीशु के नाम All में sleepless nights. और जो भी ऐसी चिंताएं हैं जो उन्हें रात को सोने नहीं देती in Jesus name. वो सभी चिंताओं को मैं निकालता हूं यीशु के नाम में. I pray that their words will be faith filled. मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके शब्द विश्वास से भरे हों in Jesus name. यीशु के नाम में that produces life. और ऐसे वचन जो जीवन उत्पन्न करें not death. मृत्यु नहीं in Jesus name. यीशु के नाम में amen. amen. oh thank you so much. आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं आप सब बैठ सकते हैं.